खबर का हुआ बड़ा असर, श्रद्धालुओं से अवैध रूप से वसूला जा रहा था अवैध पार्किंग शुल्क। आपको बता दें कि धमतरी जिला के हृदय स्थल में बसे ग्राम गंगवे, जो कि पर्यटन के नाम से शुमार है, जहां दूर दूर से सैलानी एवं श्रद्धालु गंगरेल में बसे माता अंगार मोती दाई के चरणों में मत्था टेकने अपनी मुरादों की मनोकामना लेकर आते हैं, जिनसे अवैध रूप से जोर जबरदस्ती के साथ शुल्क लिया जाता था। साथ ही उसी रोड से क्षेत्रीय ग्रामीणों का आना जाना लगा रहता था, उनसे भी जबरदस्ती शुल्क पार्किंग के नाम पर लिया जाता रहा है, जबकि पार्किंग की उचित व्यवस्था नहीं है। इस मुद्दे को लेकर टॉप न्यूज के जिला संवाददाता गेंदलाल सिन्हा ने लगातार खबरों को प्रशासन की नज़र में लाने का काम करा, जिसके चलते आज कार्यवाही की गई है, जिसमें ग्राम पंचायत गंगरेल के सरपंच रमेश काड़े ने विशेष धन्यवाद दिया है। ग्राम पंचायत गंगरेल सरपंच रमेश काड़े, जो अवैध पार्किंग शुल्क लिया जा रहा था उसमें अभी नहीं लिया जा रहा है, क्या स्थिति बनी हुई है? अभी तो दो दिन हो गया, शांत दिख रहा, मैं अपने आदमी को भेजा था लेकिन वहाँ नहीं काट रहा है, और पहले काटते थे, क्या बोलते थे, मंदिर जाने वाले से भी शुल्क लेते थे, और पार्किंग की व्यवस्था सही ढंग से नहीं थी वहाँ, और लोगों का लूटने का काम करते थे। तो तहसीलदार साहब आए थे चेकिंग के लिए और मेरे को भी बुलाए थे, मेरे साथ में मेरे जनप्रतिनिधि भी गए थे दो तीन जन, और उसके बाद में क्या बोलते थे, जो भी लिखापी किए तहसीलदार साहब ने, उस दिन से अभी पार्किंग का शुल्क लेना बंद है। वैसे हमारे मीडिया भाई लोगों ने भी अपनी जो ये चला है न्यूज, उससे थोड़ा बहुत अच्छा प्रभाव गिरा है, और इस कारण अभी पार्किंग शुल्क लेना बंद है। इसलिए हम लोग जनप्रतिनिधि, ग्राम पंचायत सरपंच जी, शासन प्रशासन को हम धन्यवाद देते हैं कि उनके कार्रवाई की वजह से अभी पार्किंग शुल्क लेना बंद हुआ है।